नमस्कार। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा है, जिनकी आज पूजा है। नवरात्रि में तीसरे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान दोनों लोगों के लिए कल्याणकारी और सदगति देने वाला है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। देवी के 10 हाथ हैं, वो खड़ग और अन्य अस्त्र और शस्त्र से विभूषित हैं। तो आज माँ की पूजा हो रही है, माँ चंद्र घंटा की पूजा हो रही है। उनका स्वरूप कैसा है, आइए जानते हैं। तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि माता के ललाट पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए माता को चंद्र घंटा के नाम से पुकारा जाता है। माता ने असुरों का नाश करने के लिए इस रूप को धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर वीरता और निर्भयता आती है और उसके समस्त डर और परेशानियाँ दूर हो जाती है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप सौम्य और शांति से भरा है और देवी को कल्याणकारी माना गया है। देवी की सवारी शेर है। माता चंद्र घंटा की 10 भुजाएं हैं और उन्होंने हर एक भुजा में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे शस्त्रों का धारण कर रखा है। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ चंद्र घंटा का यह रूप मोहक और अलौकिक है और माता की कृपा से कई बार भक्त को दिव्य सुगंधियों का या दिव्य ध्वनियों का भी अनुभव होता है। असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी के पास गए। यह सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए और तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई, यह दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्र ने माता को एक घंटा दिया और सूर्य देव ने अपना तेज और तलवार। देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर के साथ ही अन्य राक्षसों का भी संहार भी माने किया। इस तरह माँ चंद्र घंटा ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्त करवाया। ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा की पूजा करने वाले साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। शत्रुओं का डर सता रहा हो या फिर कुंडली में ग्रह दोष की समस्या हो, माँ चंद्र घंटा की पूजा से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है। हर तरह से डर को दूर कर व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है और देवी माँ के आशीर्वाद से सुंदर काया भी मिलती है। आज का दिन बहुत विशेष है। आज तीसरी और चौथी दोनों तिथि आज ही पड़ रही है। नवरात्रि के तीसरे दिन सबसे पहले हम पूजा करेंगे माँ चंद्र घंटा की और तत्पश्चात हम माँ कूष्मांडा की पूजा करेंगे। अब से बस थोड़ी देर में हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ जाएंगे और तब हम चर्चा करेंगे कि माँ चंद्र घंटा की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देवी चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और अगर आपके पास गोल्डन कलर के कपड़े हैं तो वो भी पहनना शुभ है। इसके अलावा माँ सफेद चीज के भोग से प्रसन्न हो जाती हैं। ये सफेद चीज दूध या खीर हो सकती है। माता चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जा सकता है।
ओम देवी चंद्र घंटाए नमः इस मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं। माता के सामने अपनी समस्याएं और कष्ट को रखें। माँ जगत जननी आपके समस्त कष्टों को दूर कर देंगी। माँ को वस्त्र अर्पित करें, देवी का श्रृंगार करें। धूप दीप पुष्प फल प्रसाद आदि से देवी की पूजा करें। देवी चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए आप भूरे रंग के कपड़े या गोल्डन कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं। तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्र घंटा माता की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्र दो नहीं 8 दिनों के हैं, तो इसलिए तीसरी और चौथी नवरात्रि एक दिन ही मनाई जाएगी। यानी कि माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा और चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा 9 अक्टूबर को यानी कि आज के ही दिन होगी। हमारे साथ श्रीनाथ जी महाराज जुड़ गए हैं देवघर से। बहुत स्वागत है आपका श्रीनाथ जी महाराज, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे माँ चंद्र घंटा का स्वरूप क्या है। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने जी, जिससे कि जानकारी सभी भक्तों को होना चाहिए। और चंद्रघंटा माँ का स्वरूप जो है वह सिंह पर सवार है और चमेली का माला पहने हुए हैं। उनके उनका 10 हाथ है, वह युद्ध मुद्रा में है। उनके सिंह वाहन जो भी है वह युद्ध मुद्रा में है और 10 हाथों में वह अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए हैं, दुष्टों को असुरों को संहार करने के लिए और देवताओं को अभिष्ट सिद्धि देने के लिए तथा अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने के लिए यह उनका स्वरूप है। और अपने माथे में अर्धचंद्र घंटा का वह धारण किए हुए हैं, जिसके चलते उनका नाम चंद्र घंटा रखा गया है जी। माँ चंद्र घंटा के विषय में आपने बताया कि माँ का स्वरूप कैसा है, क्यों माँ को चंद्र घंटा कहा जाता है। श्रीनाथ जी महाराज जी ये समझना चाहेंगे कि आज माँ की पूजा होने वाली है, तो माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे दर्शक हैं, जो माँ के भक्त हैं, वो किस तरीके से पूजा करें, क्या भोग लगाएं, किस तरह से उनका आह्वान करें, किस तरह से उन्हें धूप दीप दिखाएं कि माँ प्रसन्न हो जाए। आज नवरात्रि का इनका तीसरा रूप चंद्रघंटा के रूप में है माता चंद्रघंटा। तो जो भी देवी के उपासक हैं, जो शाक्त हैं, जो शक्ति के उपासक हैं, उनको निश्चित ही अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए चंद्रघंटा का उपासना करना चाहिए जी। चंद्रघंटा का जो स्वरूप है मैंने तो बताया ही है, इनको कमल फूल चढ़ाना चाहिए, चमेली का फूल चमेली का माला चढ़ाना चाहिए और धूप दीप रोली कुमकुम चंदन चावल फूल इत्यादि से श्रृंगार करना चाहिए। इनका आज का जो खास भोग है वह दूध से निर्मित दूध का पकवान उनको लगाना चाहिए। दूध का चाहे खीर हो, केसर दिया हुआ, या रबड़ी हो, या पेड़ा हो, या खोया हो, या मलाई हो, दूध से निर्मित ही आज का ये चंद्रघंटा माता का भोग है जी। तो आप जी चंद्रघंटा माता ये तो भोजन हो, ये भोजन सामग्री हो गया, लेकिन चंद्रघंटा माता एक कथा भी है जो कि आज के दिन भक्तों को अवश्य सुनना चाहिए, जानना चाहिए इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है, ये कैसी है, इनका क्या किस लिए इनका उत्पत्ति हुआ है, ये जानकारी होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं, एक समय जब देवासुर संग्राम हुआ और महाबली जो पराक्रमी थे महिषासुर असुर दैत्य, वह सभी दैत्य देवों को पराजय करके स्वर्ग से निकाल दिए और देवता के राजा जो है इंद्र, उनका इंद्र का सिंहासन भी हासिल कर लिया और स्वर्ग से सभी देवताओं को निकाल दिए, जिससे कि सब भयभीत होकर के देवता भाग गए और ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंच गए। यह इस देवताओं की इस तरह
दिन हिंद वचन सुन करके भयभीत हुए देवताओं के इस तरह का सुन करके जी। ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ा ही क्रोधित हुए और उनके तेज से एक शक्ति का उत्पत्ति हुआ और वह नारी के स्त्री के रूप में हुआ और यह सभी देवताओं ने उस शक्ति में अपना अपना तेज डाला जिससे कि महाबली महाशक्तिशाली दुर्गा जी का वह स्वरूप हुआ। इसमें जो है इंद्र ने ये चंद्र अर्धचंद्र लिए हुए वह उत्पत्ति हुई है और उसमें इंद्र ने एक घंटा प्रदान किया जिसके चलते माता का नाम चंद्र घंटा माता रखा गया। वह घंटा के भयानक ध्वनि से जितने भी दैत्य थे सब मारे गए भाग गए मूर्छित हो गए और भयभीत होकर के कंपायमान होते हुए पीपल के पत्ते की तरह वह कांपने लगे सब असुर और भाग गए और अंत में महिषासुर के साथ भयानक युद्ध हुआ घनघोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में महिषासुर मारा गया। महिषासुर के मारे जाने पर सभी देवताओं में आनंद का लहर उठ गया प्रसन्न हो गए खुश हो गए और माता चंद्रघंटा माता का जय जयकार जय घोष करने लगे और आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। तो इस तरह महिषासुर का वध हुआ। महिषासुर के वध के निमित्त ही चंद्रघंटा माता का उत्पत्ति हुआ और सभी देवताओं को माता चंद्रघंटा ने उनका उनका अपना सिंहासन अपना अपना उनका पद दिलाया और यथावत पहले पूर्ववत जैसे थे स्वर्ग उसी तरह फिर चलने लगा और इसके साथ ही सभी देवताओं को जी बिल्कुल जिस तरीके से चंद्रघंटा का जन्म हुआ वो आपने बहुत ही विस्तार से बताया। ये आपसे समझना चाहेंगे कि इनकी पूजा कैसे की जाए। इनका माता का चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए जी करना चाहिए। लाल फूल से कमल फूल से चमेली की फूल से इनका ध्यान करना चाहिए। माता चंद्रघंटा का स्वरूप वह सिंह पर बैठी हैं। सिंह भी जो है वह युद्ध की मुद्रा में है और दसों हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं और दुष्टों को संहार कर रही है जहां वही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न मुद्रा में वरदान दे रही है और भक्तों को अभय दे रही है साहस दे रही है। उनके पूजन करने मात्र से दुख दरिद्रता सब दूर हो जाता है और जो मनुष्य का चार पुरुषार्थ चतुष्टय जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष धर्म की प्राप्ति अर्थ मतलब धन की प्राप्ति कामना मतलब हर तरह की कामनाओं की पूर्ति और अंत में जो मनुष्य का इच्छा होता है मुक्ति मोक्ष वह प्रदान करती है। जी तो आपने बताया जिस तरीके से माँ की पूजा विधान को मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो बिल्कुल इस बात को लेकर के समझ गए होंगे कि आज माँ की जब हम पूजा करेंगे उनके तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। आपने पूरे विस्तार से ये बताया कि माँ चंद्र घंटा की उत्पत्ति कैसे हुई है और इनसे क्या आशीर्वाद मिलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।